और रात में किसी का फेस नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैं सोचा कि दिन में जरूर दिखा के जाएंगे सबको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पहला बैच आ चुका है। पहला बैच मतलब एक दो रूम तो पहले से बुक हो गए थे हमारे जो कॉटेजेस हैं उसके, लेकिन आज 14 लोगों का ग्रुप है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो उसमें लगे हुए हैं। तो पहले चलते हैं, देखते हैं, सारे लोगों को एक बार एडजस्ट करा देते हैं सबसे पहले तो, और खाने वाने का क्या है क्या नहीं है सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आपको, कैसे हम अरेंज करा रहे हैं उनके लिए फूड वगैरह भी, क्योंकि बड़ा ग्रुप है तो फिर थोड़ा सा हमें भी ज़्यादा हेक्टिक भी होता है और रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना हो अगर कोई आया है हमारे नाम से यहाँ पे कि भाई नहीं उनके यहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो एटलीस्ट। चलो पहले चलते हैं सीधे कॉटेज। तो पहुंच गए हैं, ये एक गेस्ट आए हुए हैं, कल से रुके हुए हैं बट वो घूमने चले गए अभी, तो ये खड़ी है गाड़ी और थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं अपने यहाँ पे। जैसे क्या, ये थोड़ा सा लुक दिया है एकदम विलेज वाला, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको विलेज वाला लुक दे दिया है। तो अभी हो गई है शाम और जो 14 लोगों का ग्रुप आया है अभी बाहर घूमने गए हुए हैं। कल मैंने बात नहीं कराई क्योंकि कल थके हुए थे, तो मैंने सोचा कि उनसे रेस्ट करने देते हैं। आज पूरा दिन घूमने में थे, अभी भी शायद कहीं घूमने गए हुए हैं, और ये पूरा कल यहाँ पे मैनेज किया सारी चीज़ें पूरे ग्रुप के लिए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि डिनर वगैरह। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि डिनर कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, डिनर प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा, तो वो सारा आगे आपको वीडियो में बताऊँगा क्या क्या करा है हमने पूरे ग्रुप के लिए और क्या क्या हमने मतलब तैयारियाँ करी थी। कुछ और भी गेस्ट है तो वो पीछे अलग रूम में है और ये अलग रूम में है, तो मतलब डिवाइड कर दिया पूरे ग्रुप को, अलग उनको अलग। तो पहले आने देते हैं उनको, और फिर अगर अभी अंधेरा नहीं हुआ ज़्यादा तो फिर बात भी करूँगा, एक बार उनसे मिलेंगे, सबका परिचय भी दूंगा चैनल पे। लंच उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, डिनर, हाँ डिनर, लंच तो बाहर का रहा है, हो गया उनका। हाँ नहीं, हम ना एक ही मील करवा पाते हैं, बिकॉज क्या होता है थोड़ा मेरे पास बर्तन बर्तनों का प्रॉब्लम है, तो एक मील हम घर से बना के देते हैं, कोई भी एक मील। ये चिकन बन रहा है, और क्योंकि उन्होंने बोला था हमें चिकन चाहिए और बाकी फिश चाहिए, और चिकन के साथ वो जो रस्ता रहता है जो महाराष्ट्र स्टाइल होता है वो भी ये बन रहा है, वो इधर बन रहा है। तो ये अपनी किचन से जा रहा है बिल्कुल घर का, साथ में चावल और रोटी कर देंगे। और अभी इवनिंग लाइटिंग भी दिखाऊंगा मैं आपको, कैसी हमने यहाँ पे लाइटिंग की है, मतलब जितनी अच्छी हो सकी उतनी करी है अभी, और धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं चीज़ें, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती हैं ये सब जानते हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें डेवलप होती जाती हैं। तो ये इवनिंग लाइट्स हैं इस तरह से इधर लगाई हुई हैं हमने, और यहाँ पे ये वाली छोटी है थोड़ी हल्की जल रही है, बाकी इधर की तरफ सारा कुछ ये डेकोरेट किया है। कुछ लाइट्स अभी जल रही हैं, कुछ नहीं जल रही। तो चिकन रेडी है, चावल भी रेडी हो गए, और अभी ये रोटियां बन रही हैं, और रोटियां भी कौन सी बन रही है, मल्टी ग्रेन आटे की हमारी। एक्चुअली जो चिकन बना है ना उसके साथ भाकरी होती है, तो मुझे लगा भाकरी वाला टेस्ट आए इसलिए मैंने ये वाली रोटियां बनाई। तो चलो मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। तो ये अपने गेस्ट बैठे हुए हैं इधर सारे, ये इधर एक भैया, क्या क्या नाम है सबके भाई? अभिजीत। हाय सर। तो इनकी पार्टी चल रही है, अपने यही कॉटेज में बैठे हुए हैं सारे लोग, और इधर शुभम, इधर ये अक्षय, आकाश इधर है, अक्षय कौन से है? अच्छा वो उधर एक अक्षय है, वो हमारा प्रेसिडेंट। तो ये पूरी जो टीम आई थी मैंने जैसे बताया था, तो अभी इनसे मुलाकात हो रही है, दिखाने का मौका अब मिला क्योंकि कल ही आए थे थक गए थे, आज ये पूरा दिन बाहर रहे, बटरफ्लाई बीच गए, कैसा लगा? बहुत अच्छा था। हाँ तो ये इधर अपने शुभम भाई हैं,
और पूरी टीम है मतलब, और सभी कोल्हापुर से है ना, कोल्हापुर से सब, तो सभी लोग कोल्हापुर से आए हुए हैं। तो चलो थैंक यू, अगर अच्छा लगा हो तो आप बताना कैसा लगा और स्टे कैसा रहा वो भी आप बताना। रूम वगैरह बहुत अच्छा, साफ सफाई, कल सुबह निकलेंगे जल्दी, अच्छा फील है। थैंक यू। हाँ तो अभी इनकी पार्टी चलने देते हैं, इनको ज़्यादा देर मैं डिस्टर्ब नहीं करता, अदरवाइज इनकी पार्टी थोड़ी हल्की हो जाएगी। तो ये अभी मॉर्निंग का व्यू है, सब रेडी हो चुके हैं। रात की याद है कुछ? सबको याद है? तो ये अपना पूरा ग्रुप है कोल्हापुर से, और रात में किसी का फेस नहीं दिख रहा था तो इसलिए मैं सोचा कि दिन में जरूर दिखा के जाएंगे सबको। तो ये सभी लोग आए हुए थे, और रात डिनर कैसा हुआ पहले डिनर बताओ, अच्छा था? कम तो नहीं पड़ा? सबसे बड़ा। अच्छा चलो अच्छा लगा। तो अभी ये सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, बस निकलने वाले हैं, अभी ये जाएंगे शायद इधर से घूमते हुए नॉर्थ की साइड, बागा कालंगुट घूमते हुए आज ही शाम तक रात तक घर पहुँचेंगे। तो थैंक यू सबको पहले तो आने के लिए, और हमें मौका देने के लिए कि भाई आए आपने, हमने जो भी सेवा जैसी भी हुई करी, कोई कमी रह गई हो तो भाई सॉरी। थैंक यू सो मच। तो अभी निकलते हैं, आप भी निकलो, आराम से जाना भाई सब, और मैं उधर आऊँगा तो जरूर मिलेंगे फिर। हाँ तो लाइक शेयर कमेंट करके बता देना, सब्सक्राइब भी करवा देना अपने दोस्तों को चैनल। हाँ तो चलो थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। तो फाइनली सारे लोग जा चुके हैं, और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम भी पहली बार ऐसे मतलब इतने लोगों को, बड़ा ग्रुप, हम भी पहली बार असिस्ट कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे, बट डरे हुए भी थे हम लोग बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा था कि देखो क्या होता है, एक छोटा सा खराब एक्सपीरियंस मतलब आपके गेस्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता, आपके लिए भी अच्छा नहीं होता। हाँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, और जैसे कि आप बात रही उन्हें खाने वगैरह की, तो सारा कुछ हमने घर से प्रोवाइड कराया, स्मूथली हो गया। हाँ, उन पहले हम डरे हुए थे कि यार कैसे अरेंज कराएंगे 14 लोगों का खाना, ये सब चीजें, अच्छा लगेगा बट, नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो सबसे बड़ी बात होती है, उनका टेस्ट कैसा है। बट फाइनली जब हम लगे तो फिर लग गए। तो ये अपनी मेरी हमारी मतलब पुरानी आदत है, एक बार अगर लग जाते हैं तो फिर लग जाते हैं, या तो फिर मतलब हिम्मत बांध दी तो बांध दी, अदरवाइज डर के पीछे हट गए तो फिर कोई कुछ तो नहीं कर पाते, फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना है, कहीं ना कहीं डर तो रहते हैं। हाँ तो इसमें भी चैलेंजेस थे हमारे सामने। दो दिन उनको स्टे कराया, काफ़ी अच्छा लगा, और सारे लोग बहुत मतलब अच्छे थे, कोऑपरेटिव भी थे, तो वही चीज़ मैटर करती है। कई बार लोग कोऑपरेटिव मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उसमें भी। हाँ। जैसे कि अब मैं खाना लेके आता था तो वो खुद से अपने यहाँ पे बोलते थे हम सर्व कर लेंगे, आप कुछ, हाँ आप छोड़ दो बस रख दो, और वो पार्टी वार्टी का माहौल उन्होंने बनाया, उनको भी अच्छा लगा उसी सब चीज़ों में। हाँ। अदरवाइज अच्छा नहीं लगता है, बट हमारा मन था कि फुल एन्जॉय करो आप आराम से जैसे करना है, और बस किसी को डिस्टर्ब ना करो, तो वो चीज़ उन्होंने भी ध्यान में रखी, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, और बाकी हाँ सारा कुछ अच्छा रहा। और थैंक यू सभी उन भाइयों को इतने अच्छे से कोऑपरेट करने के लिए, पहली बात तो, और बाकी अब और नया ग्रुप आने वाला है उसके लिए रेडी हो रहे हैं। हाँ तो सफाई हो चुकी है सारी। हाँ तो आज ही शायद नाइट में कोई एक ग्रुप है वो आने वाला है। हाँ। आज नाइट में पहुँचेंगे शायद 12-13 लोग हैं। तो यहाँ पे हम मतलब बड़े ग्रुप अब एकोमोडेट कर सकते हैं, पहले हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे पास स्पेस नहीं था। हाँ बड़े ग्रुप एकोमोडेट नहीं कर पाते थे, बट अभी हम आराम से कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 4 रूम खाली है यहाँ पे, 2 अभी भरे हुए चल रहे हैं, वो तो वो पीछे फैमिली रुकी हुई है, तो उनको भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारा इस तरह से हमने मैनेज किया
खाना वगैरह सब कुछ। और खाने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि जब पहला वीडियो डाला था तो बहुत लोगों का यही क्वेश्चन आया था, खाना कहाँ से अरेंज होगा, खाने का ऑप्शन क्या है। अगर आप बाहर जाके खाना चाहते हो तो 1 या 2 किलोमीटर की रेडियस में बहुत सारे आपको खाने के ऑप्शन हैं। और अगर आप इधर खाना चाहते हो, आप हाँ, चाहते हो कि जैसे बफे हो जाए या होममेड फूड हो जाए, हाँ, तो वो इधर भी अरेंज हो, वो इधर अरेंज हम करा सकते हैं। हम मतलब बाहर से भी करा सकते हैं, रेस्टोरेंट वाला भी यहाँ डिलीवर कर सकता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो रेस्टोरेंट का ही खाना है तो चलो होप करते हैं। अब वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, ऐसे ही मोटिवेट करते रहना तो हम और अच्छा काम करते रहे। हाँ, और अच्छे से लोगों को मतलब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराते रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अगर वो आ रहे हो तो कॉन्टैक्ट भी जरूर कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे सब जगह मिल जाएगा।